को चेक करने वाले हैं। काफी टाइम हो गया है ये जो नेस्ट यहाँ हमारी बर्ड ने बनाया था पेड़ के ऊपर, क्या इसके अंदर अंडे थे, मेरे बच्चे निकले हैं या नहीं, वो हम लोग आज चेक करेंगे और देखेंगे कोई हमें सरप्राइज मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। बाकी हम लोग इस नेस्ट को चेक करने वाले हैं क्योंकि इस नेस्ट को रखे हुए काफी टाइम हो चुका है, तकरीबन मेरे हिसाब से 10 दिन के आसपास हो गया है और शायद उम्मीद करूँगा बच्चे निकल चुके होंगे। और बहुत प्यारा घोंसला उन्होंने बनाया था हमारी चिड़ियाओं ने, हमारी फिंचेस ने, आप लोगों ने देखा था, मैंने पहले ही आपको वेट करा चुका हूँ। और देखते हैं फिर, अरे गाइस एक मिनट रुकिए, इसके अंदर बर्ड है, चिड़िया बैठी हुई है, दिखाता हूँ, रुकिए अभी आपको नज़दीक से शायद गाइस वो निकल के भाग गई। और ये है वो चिड़िया सामने बैठी हुई, इसके बच्चे हैं। फाइनली हम देखते हैं इसमें क्या हमारे बच्चे निकले हैं या नहीं अंडों में से। गाइस मेरे हिसाब से तो भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, थोड़ा और नजदीक जाता हूँ। भाई मेरे को लगता है गाइस में गाइस बच्चे निकल चुके हैं गाइस, ये तो बहुत ज्यादा गुड न्यूज हो गई। तो फाइनली दोस्तों ये तो हमारे लिए काफी बड़ी गुड न्यूज हो गई है, हमारे जो बेबी फिंच के जेब्रा फिंच के बेबी है वो निकल चुके हैं। एक बच्चा उसमें देखने के लिए मुझे मिला है, ये सरप्राइज मैं बहुत जल्दी कोकी को भी देने वाला हूँ क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारी फिंच के बच्चे निकल चुके हैं, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। और ऐसा यार हमारे सेटअप पे फर्स्ट टाइम हुआ है और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हमारे सेटअप के किसी प्लांट के ऊपर, प्लानिट के ऊपर किसी बर्ड ने घोंसला बनाया, उसमें बच्चे निकले हैं। ये तो बिल्कुल नेचर हो गया जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कोकी ने और मैंने मिलकर, तो वही सब हो गया है फाइनली। तो मैं कोकी को जरूर इस बात को बताऊंगा, उनको सरप्राइज करूंगा बता के कि देखिए आपका जो सपना था वो कंप्लीट हो गया और आपका जो ड्रीम नेस्ट था उसमें बच्चे निकल चुके हैं। और साथ ही में दोस्तों आज मैं उनको ये भी बोलूंगा कि इनको बेहतर से बेहतर फीड दें क्योंकि बेबी जो निकले हैं उनको इस वक्त पौष्टिक आहार चाहिएगा जिसमें अच्छे प्रोटीन हो, फाइबर हो, सभी कुछ हो ताकि बच्चे अच्छे से ग्रोथ कर सकें। अभी एक बच्चा निकला है, बाकी भी निकलेंगे तो उनके लिए अच्छे से फीड करानी होगी, तो उनको बोलूंगा कि इनके लिए अच्छी से अच्छी फीड बना कर दें ताकि बर्ड्स जो हैं उसे खाएँ, मतलब माता पिता उनके बच्चों के खाएँ और बच्चों को अच्छे से खाना खिलाएँ, ठीक है। तो फाइनली बहुत खुशी का दिन है आज हमारे सेटअप पर। कल आपने देखा हमारे कोको को कुछ हो गया था, कोको कुछ क्या, कोको हमारा गैस कर गया, एक्सपायर हो गया हमारा जो बर्ड था कोकाटेल पैरेट। और फाइनली अभी जो हमारा कैंडी है वो अकेला रह गया, ये देखिए हमारा एक पैरेट रह चुका है ये वाला। इसके लिए जल्दी कोई मेल, ये पता नहीं मुझे मेल या फीमेल कोकी को भी पता है और मैं कन्फर्म भी नहीं हूँ कि कोको की डेथ हुई है या फिर कैंडी की डेथ हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम जल्दी मेल या फीमेल जो भी है वो लेकर आएंगे और इसका पेयर कंप्लीट करेंगे। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा आजकल मेरे को कमेंट में लोग बताने कि उनके बर्ड के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, सर्दियों में अक्सर ऐसा हो जाता है, बर्ड ठंड में आ जाते हैं और लोग बागों के बर्ड्स मरने लगते हैं, तो बस ये इन्हें केयर करने की जरूरत है। तो आज कल में मैंने क्या किया है गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हमारे यहाँ से ना हवा जहाँ से आती है वहाँ से उसे बंद करूँगा मैं और पूरे केज को, और साथ ही में जहाँ जहाँ से ये खुला हुआ है वहाँ से बिल्कुल इसको मतलब बंद कर दूँगा सही तरीके से, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि वो सामने कुछ खुला हुआ है वहाँ से, ठीक है ना केज, और यहाँ से कुछ केज खुला हुआ है कोने से, ठीक है, बाकी सब है बंद। ये देखिए नीचे कुछ खुला हुआ है वहाँ पर, और साथ ही में उस साइड से कुछ खुला हुआ है, ये सब मैं बंद करने वाला हूँ दोस्तों। और इसको बंद करके ही मैं जल्दी से जल्दी पूरे सेटअप को एकदम से चारों तरफ से पैक कर दूँगा, ठीक है। और अभी हमारे लकी कबूतर को देखिए आप, ये जो पेयर है हमारा बहुत ही शानदार पेयर है, आपको दिखाता हूँ मैं, जो न्यू सब्सक्राइबर है उन्होंने देखा भी नहीं होगा तो आज आपके लिए स्पेशली देखिए, ये हमारे जो पेयर है लैला मजनू का पेयर है और ये फीमेल है इधर और उधर की साइड में मेल है, ठीक है। इनका बच्चा निकला था हमारे पास एक, वो वहाँ बैठा हुआ है, इसके पहले काफ़ी बच्चे निकले वो सब एक्सपायर हो गए, इस बार उन्होंने अंडे रखे थे सामने वो अंडे हमारे ख़राब हो गए। और ये हमारी जेब्रा फिंच कहाँ घोंसले के लिए नेस्ट लेकर जा, मटेरियल लेकर जा रही है नेस्टिंग का, ये देखिए ये ना कहीं घोंसला बना रही होगी ज़रूर, तो जाने देते हैं इसको जहाँ भी जा रही है। और फिलहाल एक गुड न्यूज़ और मैं आपको देता हूँ, हमारी जो ऑल फिंचर्स ने एक बार फिर से एग ले कर दिए, फर्स्ट टाइम के एग इसके ख़राब हो गए थे,
इसकी जो ये मेल है बाहर, जो फीमेल है वो अंदर एग पर बैठी हुई है, उनको फर्टाइल करने में लगी हुई है दोस्तों। और तो फाइनली मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो है हमारी प्यारी सी आउल फिंच जल्दी से अपने बच्चों को बाहर निकाल दे एग से, जैसे बाकी सभी ने निकाला हुआ है। देखिए वो बैठी हुई है अंडों पे दोस्तों। हम ना ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं अपने बर्ड्स को, क्योंकि हमारे सारे बर्ड्स परेशान होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होती है। एग्जोटिक बर्ड्स जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, सभी को प्राइवेसी चाहिए होती है। आप जैसा कि जानते ही हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। मैंने कभी को भी ये बोला है कि जैसे ही कोई अपना एग्जोटिक बर्ड, अपना परिंदा, मिनी जुगा स्पेशली ब्रीड पर आ जाए या बच्चे अंडे रखे, तो उसके पास नज़दीक ज़्यादा ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी केयर करें, मतलब दूर से उसको खाना वगैरह देकर बाकी उसको प्राइवेसी दे दें। तो अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे बर्ड ब्रीड पर आ रहे हैं, तो सभी के लिए ना मैं एक अलग से स्पेशली कुछ ऐसा करूँ, ताकि केवल इनको तब दिखें तब हम इन्हें दाना पानी दे रहे हों, या फिर तब दिखें जब हम इनकी केज की सफाई कर रहे हों, ठीक है ना। तो उसके पहले हम इनको दिखें ना ये हमें दिखें, क्योंकि इनको प्राइवेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे कि मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी जो गोल्डन फिंच है, आप देख सकते हैं सामने ब्लू वाला जो केज है, इस केज के अंदर एक पेयर गोल्डन फिंच का है हमारे। तो इसमें क्या है, मेल आउटसाइड बैठा हुआ है, फीमेल इनसाइड है, ठीक है। अगर फीमेल इनसाइड है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा का मतलब कि हमारे सेटअप पर खुशियाँ आने वाली हैं। तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने झांक कर देखा है अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। ये एक्टिविटी इनकी दो दिन से नोटिस मैं कर रहा हूँ, ना इनके केज के पास जा रहा हूँ, केवल दाना पानी रखने के लिए मैं जाता हूँ, बाकी नहीं जाता हूँ। फाइनली देखिए मेल अपने विंग्स को किस तरह से साफ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कभी भी, आप लोग अगर आपको लगे कि आपके बर्ड्स के आपके जो बच्चे हैं वो निकलने वाले हैं, एग्स रखे हुए हैं आपके बर्ड में, उसके नज़दीक ना जाए, वरना फिर वो ना उनको एग्स को फर्टाइल करना छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको सेटअप में हमारे चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी सारी बात मुझे समझ में आएंगी, क्योंकि मुझे तो आपकी बातें सारी समझ में आ जाती हैं दोस्तों। और बाकी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे मिनी सेटअप की। और साथ ही में मैं आज, मतलब क्या बताऊँ, मैंने रात से ही मैंने बता लिया था कि आज कल मैं जाकर के बच्चों को चेक करूँगा जो हमारे जेवरा फिंच ने पेड़ पर निकाले हुए हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ एक बात और, वो तो मैंने खैर बच्चे तो चेक कर ही लिया, आपको दिखाई भी, कि क्यों ना कुछ और पेड़ बढ़ा दिए जाएँ। इस तरह से हमारी ज़्यादा पेड़ होंगे तो ज़्यादा बर्ड्स घोंसले बनाएंगे और ज़्यादा बच्चे निकलेंगे पेड़ों के ऊपर, इट्स अ नेचर। तो अभी जैसे एक ये बड़ा पेड़ है, ठीक है, हमारे मिनी जू के अंदर, और ये भी एक बड़ा पेड़ है मिनी जू के अंदर, एक बड़ा पेड़ वहाँ है मिनी जू के अंदर, मगर घोंसला उस पर बनाया। तो ऐसे ही दो तीन पेड़ और लगा दिए जाए दोस्तों। तो इस बारे में मैं कोकी से डिस्कस करूँगा, जैसा कोकी बोलेंगी वो बताएंगी हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। तो उनसे मैं बात करूँगा और बात करके जब आप लोगों से डिस्कस करूँगा, अगर वो बोलेंगी कि हमें पेड़ और मंगाने चाहिए तो मैं फिर और पेड़ लेकर आता हूँ, वो नहीं बोलेंगी कि नहीं लाने चाहिए, बाद में लाएंगे तो फिर देखेंगे जैसा जो आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही टाइम दे पाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा आप लोगों को। बस छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर तो करना बिल्कुल कतई ना भूलें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट सेटअप का ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, अपने खास पड़ोस दोस्तों का ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।